हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज का इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप कैसे eskillindia.com पे जाके आप कैसे अपना नाम को कैसे वहां पर रजिस्टर करोगी। साथ ही साथ तो वहां पर रजिस्टर करने के बाद वहां पर आपको बहुत सारा कोर्स है वो आपको फ्री में और हिंदी भाषा में सीखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि डाटा एंट्री हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हो गया, ऐसे बहुत सारा, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आप वहां पर स्किल इंडिया पे रजिस्टर कैसे करोगी अपना नाम को। और एक दूसरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप वहां पर एक सर्टिफिकेट कोर्स का, जो फ्री कोर्स करोगी वहां पर आप एक आपका खुद का सर्टिफिकेट कैसे बनवाओगी, वो भी फ्री में, वो भी ऑनलाइन, वो भी इंडिया गवर्नमेंट का, ठीक है ना। इस बार वीडियो में मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना के ऑलरेडी रखा हूँ। सिर्फ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगता है, क्या सारे सारे डिटेल्स। तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट इन हिंदी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना गूगल में जाना है। जाने के बाद आपको सर्च करना है eskillindia.org। तो पहला वाला लिंक आ जाएगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो आपको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर देख सकते हो पॉपुलर कोर्सेज जो है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा कोर्स आपको फ्री में आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए तो यहां पर कंप्यूटर हार्डवेयरिंग का कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स और डाटा एंट्री हिंदी, देखिए तो कंप्यूटर मूल बातें डाटा एंट्री, ऐसे बहुत सारा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, ऐसे बहुत सारा कोर्स जो है हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको यहाँ पर अभी रजिस्टर कैसे करना है अपने नाम को। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का ये जो कोर्स है ये फ्री में मिल रहा है, ऐसे बहुत सारा, ठीक है ना, लेटेस्ट कोर्सेज यहाँ पर देख सकते हो। और मान लीजिए आपको ये दिक्कत हो रहा है, मतलब क्या कैसे यूज़ करना है, तो आप नीचे भी क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, उसका लिंक डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो देख सकते हो उसका जो पार्टनर है, नॉलेज पार्टनर देख सकते हो SAS है, और फेयर एंड लवली देख सकते हो, यहाँ पर फेयर एंड लवली क्रीम जो है वो इसका पार्टनर है, IBM उसका पार्टनर है, मतलब ऐसे बहुत सारा पार्टनर है, ब्रांड है जो है, ठीक है ना, आपने कभी सुना है या नहीं पता नहीं, फेयर एंड लवली तो ज़रूर सुना होगा, ये उसका पार्टनर है, मतलब देख सकते हो इंडिया गवर्नमेंट का है ये, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको सिंपल से क्या करना है, ऊपर आना है, फाइंड कोर्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर सर्च कर लेना है, तो आप कोई भी एक सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना आपके अनुसार। तो यहाँ पर मुझे डाटा एंट्री सही लगा, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर मुझे डाटा एंट्री सीखना है, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएगा, देख सकते हो डेटा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, तो वहाँ पर आपको टाइटल के ऊपर आपको सिंपल सा करना है क्लिक, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर टाइटल के ऊपर जो है हम कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर नीचे आप सारे के सारे डिटेल जो है आप देख सकते हो, क्या है, कौन सा लैंग्वेज में है, फ्री है या पैसा देना पड़ेगा, सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा करना है एनरोल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना है रजिस्टर, अगर पहले से है तो आप साइन इन पे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप साइन अप एज न्यू यूजर नीचे दिया गया है, यहाँ पर आपको सिंपल सा कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर साइन अप करना है, ठीक है ना। पहले आपका फर्स्ट नेम देना है और लास्ट नेम आपको देना है, ठीक है ना। चले फटाफट से यहाँ पर मैं अपना नाम को दे देता हूँ DILIP, और यहाँ पर कुमार बेहरा यहाँ पर लिख देता हूँ। देन राइट साइड में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, सब कुछ सही देना है, गलत नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर को दे देता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा तो ऊपर आएगा वेरीफाई के लिए,
एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको सिंपल सा कर देना है क्लिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नंबर को छुपा रहा हूँ, तो ऊपर देखिए तो वेरीफाई आ गया, यहाँ पर कर देना है आपको सिंपल सा क्लिक। तो यहाँ पर एक ओटीपी आपको आएगा, सिंपल सा ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके सिंपल सा वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया हूँ, अगर नहीं आता है तो रिसेंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा नंबर जो है वो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। तो नीचे आपको क्या करना है, मेल आईडी सेलेक्ट करना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, और आपका डेट ऑफ ईयर जो है कौन सा साल में आप जन्म हुए हो वही डेट ऑफ ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। बर्थ ईयर जो है वो आपको यहाँ पर सिंपल सा कर देना है सिलेक्ट। देन यहाँ पर क्या करना है, आपका जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो फिलहाल वो बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर मेरा जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर देखते हो मेल आईडी वेरीफाई, यहाँ पर आपको सिंपल सा कर देना है वेरीफाई के ऊपर यहाँ पर क्लिक, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो मेल आईडी लिखा है वेरीफाई, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपके मेल आईडी जो कोई भी आप दिया हो वहाँ पर आएगा आपको एक ओटीपी, तो डायरेक्टली आपको जाना है अपने मेल आईडी पे और चेक करना है कि क्या ओटीपी आया है और क्या ओटीपी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली मेरा जो ओटीपी यहाँ पर आ चुका है nsdcindia.org पे। तो ये जो ओटीपी आया है वहाँ पर आपको डाल देना है 952861। तो यहाँ पर मैं सिंपल से डाल देता हूँ मेरा जो ओटीपी है 952861, यहाँ पर मैंने डाल दिया। देन यहाँ पर कर देना है वेरीफाई, तो यहाँ पर मेल आईडी फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुके हैं। तो नीचे आना है, आपको देना है नया पासवर्ड, ठीक है ना। दो बार टाइप करना है पासवर्ड, जो कुछ भी हार्ड पासवर्ड देना है आपके अनुसार, ठीक है ना। तो स्टेट जो है सिलेक्ट करना है, देन आपको देना है यहाँ पर पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया हूँ। देन यहाँ पर आपको नीचे क्लिक करना है आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन ऑफ NSDC, यहाँ पर सिंपल सा कर देना है क्लिक। तो दोस्तों पासवर्ड आपको सही से ध्यान रखना है, बाद में आकर लॉगिन करते हो तो भाई पासवर्ड याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, फॉरगेट हो भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पासवर्ड को याद रख लेना है आपको स्क्रीनशॉट वगैरह करके। तो देन यहाँ पर आ जाएगा और एक इंटरफेस, ये देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर आपको सिंपल सा कर देना है क्लिक। यहाँ पर जब आप क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर आपको लेके चला जाएगा साइन अप, साइन इन के ऊपर आपको वो लेके चला जाएगा, और वहाँ से आप डायरेक्टली अभी देख सकते हो पासवर्ड सेव कर सकते हो या नेवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको साइन इन के ऊपर जो देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है साइन इन, तो यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दिया हो वही आपको टाइप करना है, और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर टाइप करना है। देन आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन सिंपल सा कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो चलिए यहाँ पर अपना पासवर्ड दे देते हैं और ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो कुछ भी मैंने दिया हूँ यहाँ पर देख के आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन सिंपल सा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दे दिया हूँ और टैप्स के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ, देन कर देता हूँ यहाँ पर लॉगिन। तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई eSkillIndia.org के जो वेबसाइट पे आप वेरीफाई हो जाएगी सक्सेसफुली, और यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप का इंटरफेस जैसे कि पहले आया था। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसे बहुत सारा कोर्स आपको फ्री में देखने के लिए मिलेगा, जो कुछ भी आप कोर्स कर सकते हो बिल्कुल फ्री, आपको यहाँ पर एक रुपया भी देने के लिए नहीं पड़ेगा। फ्री में आप कोर्स करके सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको एक अलग सा वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप का आपको रजिस्टर करना है बस eSkillIndia पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है, इंडिया गवर्नमेंट के वेबसाइट है। तो यहाँ पर जैसे तो मान लीजिए मुझे डाटा एंट्री का कोर्स करना है और उसके ऊपर सर्टिफिकेट लाना है, तो सिंपल सा यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या और कोई दूसरा कोर्स करना है तो वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। फाइंड कोर्स जो लिखा है ऊपर सर्च, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर मोबाइल रिपेयरिंग या जो कोई भी आपको दिल चाहे उसके ऊपर आप कोर्स करके सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो दोस्तों ये था eSkillIndia.com पे आप कैसे अपना नाम को रजिस्टर कैसे करोगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि भाई आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, क्या मेरे क्या गलती हो गया। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे कुछ मोटिवेट मिल सकेगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक रहता हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।